दोस्तों बिहार की टीम इस वक्त बीसीसीआई टूर्नामेंट्स में बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। हालांकि बिहार के लिए कुछ खिलाड़ियों ने टुकड़ों में जरूर अच्छा खेल दिखाया है। बिहार के लिए बाबुल कुमार, शाकिब अलगानी, वीर प्रताप सिंह और अभिजीत साकेत जैसे प्लेयर्स ने हमेशा ही की प्लेयर्स का काम किया है। अगर कभी प्रश्न उठता है कि क्या बिहार में कोई ऐसा खिलाड़ी है जो टीम इंडिया में अपनी जगह बना सके, तो इन खिलाड़ियों का नाम सबसे आगे नजर आता है। बिहार के ज्यादातर क्रिकेट प्रशंसकों को उम्मीद है कि बाबुल और साकिब अलगानी जैसे प्लेयर्स जल्द से जल्द भारतीय टीम का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन अब दरअसल किसी और खिलाड़ी को लेकर ही चर्चाएं बहुत बढ़ गई हैं। दरअसल बिहार के बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने हाल में ही महज 12 वर्ष की उम्र में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया और इनकी बैटिंग की प्रशंसा पूरे देश भर में हो रही है। गौर करने वाली बात यह भी है कि बिहार के कुछ शानदार खिलाड़ियों का चयन टीम इंडिया में नहीं हो पाने का मुख्य कारण उनकी बढ़ती उम्र भी रही है। बिहार के जितने भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और ऐसे में अगर उनका चयन टीम इंडिया में होता भी है तो वह भारतीय टीम को ज्यादा सर्व नहीं कर पाएंगे और ऐसे में सेलेक्टर्स उनके साथ कुछ लंबा प्लान नहीं कर सकती। लेकिन वैभव सूर्यवंशी की उम्र करीब 13 साल की ही है और इसलिए यह भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए अच्छे दावेदार है। वैभव सूर्यवंशी ने मुंबई के खिलाफ अपना रणजी डेब्यू 5 जनवरी 2024 को किया था। अगर वैभव आने वाले मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इनके लिए टीम इंडिया में जगह बनाने के रास्ते और आसान हो जाएंगे। इस खिलाड़ी पर पहले से ही बीसीसीआई और पूरे भारत की नजर है। कई क्रिकेट प्रशंसकों का मानना है कि यह प्लेयर टीम इंडिया में जल्द ही जगह बनाने वाला है। अगर आप लंबे समय से इंतजार में हैं कि बीसीए के लिए, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए खेल रहा कोई प्लेयर टीम इंडिया में जगह बनाए, तो आपका इंतजार बहुत जल्द ही खत्म हो सकता है। बस उम्मीद करें कि सूर्यवंशी अपनी कड़ी मेहनत को जारी रखें। आपको क्या लगता है, क्या वैभव सूर्यवंशी ही वो खिलाड़ी होंगे जो बिहार की ओर से सबसे पहले टीम इंडिया में शामिल होंगे, या कोई और खिलाड़ी है जो सिलेक्शन कमेटी का दरवाजा खटखटाने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लीजिए और ऐसे और भी वीडियोज अगर आप देखनी चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ एंड आई लव यू ऑल।